इस बीच बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है। भीलवाड़ा में पत्थरबाजी का नया वीडियो सामने आया है। कल जहाजपुर में मस्जिद के पास दरअसल पथराव किया गया। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई है। जहाजपुर में पथराव के बाद भगदड़ भी मची है। ये तस्वीरें सामने आई है 14 सितंबर की, देखिए दिखा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में पत्थरबाजी हुई, अब ये नया वीडियो जो है वो सामने आया है। जहाजपुर में पथराव के बाद भगदड़ मची है। तो भीलवाड़ा में पत्थरबाजी की घटना के बाद नवभारत के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजिए, दिखाते हैं आपको। मैं जहाजपुर में वहां मौजूद हूं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सामने आप देख पा रहे होंगे पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ है, वहां से भगवान की यात्रा निकलती है जिसको बेवाण कहा जाता है, और वो निकलती हुई इस मार्ग से यानी इस पहाड़ी के नीचे से होती हुई, और ये मेरे हाथ के इशारे के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहां से होती हुई वो इस तरफ से और यहां इस मस्जिद के बिल्कुल बगल से निकलती है। लेकिन उसी दौरान यहां इस मस्जिद से जो छत आप देख पा रहे हैं, जो गुंबद है उसके ठीक बगल से यहाँ से पत्थर आना शुरू हुए, और पत्थर इस कदर आए कि लोगों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा, और उसी की बदौलत यह है कि आज पूरा शहर बंद है, चारों तरफ बंद कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए जहाँ मस्जिद के ठीक बाहर बैरिकेड लगाकर पुलिस का जाप्ता मौजूद है, और यहाँ धरने पर लोग बैठ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए धरने पर लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग बुलडोजर की मांग पर अड़े हुए हैं कि बुलडोजर चले। हालांकि प्रशासन ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जिसमें उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मस्जिद पर एक आदेश चस्पा किया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें 24 घंटे में वो तमाम चीज़ें मांगी गई हैं जो इस मस्जिद से रिलेटेड हैं, चाहे इसके स्वामित्व की बात हो, चाहे जगह की बात हो, चाहे निर्माण की स्वीकृति की बात हो, चाहे इसके क्षेत्र, उसके पट्टे, उसकी रजिस्ट्री की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के दस्तावेज मांग लिए गए हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ जहाजपुर में एक तरीके से दो बॉर्डर बन गए हैं। इस तरफ पालकी रखी हुई है भगवान की जो यहाँ आनी थी, इस घर के अंदर आनी थी। आप देखेंगे ये यहाँ के उस गढ़ से रिलेटेड परिवार, राजपूत परिवार है जिनका ये घर है, हवेली है, इस हवेली पर आकर पूजन होना था और इससे फिर आगे यात्रा जानी थी, और ये लोग वहाँ से उसको लेकर आते हैं। लेकिन उसी दौरान पत्थरबाजी हुई और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो बॉर्डर बन गए, एक बैरिकेड के इस तरफ जहाँ धरना वाले लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, वहीं बैरिकेड के दूसरी तरफ ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं किस तरह का इलाका है। जिस तरह के यहाँ झंडे और ये तमाम गुंबद मीनारें दिख रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पत्थरबाजी हुई उसके पीछे किसका हाथ था और क्यों करके ये पत्थरबाजी की गई। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। फिलहाल लोग इंतज़ार में हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हालांकि पुलिस की माने तो 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी करने वाले कई लोग उसमें फरार बताए जा रहे हैं, तस्दीक की जा रही है। ये जो ड्रोन है, ड्रोन उस समय उड़ भी रहा था यहाँ पे, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये ड्रोन जो यहाँ पर रखा हुआ ये उड़ रहा था, इसकी क्लिप हालांकि पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और वो उसकी जाँच कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। CCTV यहाँ मस्जिद में भी लगा हुआ था, लेकिन मस्जिद का CCTV फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी लोग हैं, जो भी पत्थरबाजी कर रहे थे, वो बचने वाले नहीं हैं क्योंकि वो कैमरे की जद में हैं और बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में भी होंगे। लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में देखना है कि भजनलाल सरकार कितना बड़ा एक्शन ले पाती है। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भावर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, जहाजपुर, भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में पथराव के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। धार्मिक जुलूस पर मस्जिद से फेंके गए पत्थर, उसके बाद इलाके में अभी भी भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो मौजूद है। पुलिस ने 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें शनिवार को भीलवाड़ा के शाहपुरा में एकादशी के मौके पर दरअसल जुलूस निकाली गई थी। उसी दौरान जैसे ही जुलूस वहां के जामा मस्जिद के पास से गुजर रहा था, लोगों ने मस्जिद से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जहाजपुर में पिछले 5-7 दिन के अंदर SDM को बोल दिया गया था कि इनके जो भी जुलूस वगैरह निकलने हैं इसके बाबत सभी से बातचीत कर ली जाए। SDM और जो पुलिस अधिकारी, इन लोगों ने सब ने बात भी की, इन सब लोगों को बुला के दोनों समुदाय से भी बात की, थाने में भी चर्चा हुई। इसके बाद कुछ शर्तें तय करके ये तय किया था कि भाई जुलूस किधर से जाएगा, कैसे जाएगा। पुलिस ने भी अपना जाप्ता लगा रखा था, इवन ड्रोन्स भी हमने लगा रखे थे, कैमरा भी लगा रखे थे। इसके अलावा पुलिस जाप्ता यहाँ भी था। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, अलग अलग आरोप हैं।
और चलिए अब आपको भीलवाड़ा से आई 8 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे वहां हालात कैसे हैं। ये 8 तस्वीर बता रही हैं कि हालात कैसे हैं। जुलूस पर पहले पथराव किया जाता है, मस्जिद से पत्थरबाजी होती है, उसके बाद हालात वहां तनावपूर्ण बन जाते हैं। हिंदू संगठनों ने धरना दे रखा है, देर रात बुलडोजर एक्शन भी यहां पर देखने को मिला है, लोगों ने आगजनी भी की, गुस्साए लोगों ने दरअसल ये आगजनी की है। मस्जिद को नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है। फिलहाल इलाके में तनाव वाले हालात हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी वहां पर हालात जो है तनावपूर्ण दिख रहे थे। भीलवाड़ा पथराव कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, मस्जिद को नगर पालिका ने दरअसल नोटिस भेजा है, 24 घंटे में सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें खुद बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन की बात भी कही है। लोग लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग यहां पर कर रहे हैं। कल लोगों ने खुद ही सड़क किनारे बने अवैध कैबिनों को बुलडोजर से हटाया था। बुलडोजर एक्शन की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे दरअसल वो वही थी, उसको आग के हवाले भी किया गया, यानी पहले बुलडोजर एक्शन और उसके बाद ये आगजनी की गई है। अवैध निर्माण ये बताया जा रहा है, लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि लोगों ने खुद ही यहां बुलडोजर चलाया और आगजनी की। नगर पालिका को प्रशासन को आदेश दे दिया कलेक्टर ने और पूरा प्रशासन अपना सहयोग कर रहा। जितने अपराधी हमारे पत्थरबाजी की उनको अरेस्ट करवाएंगे, अभी उसके लिए भी टीम रवाना हो गई। हमारी जो अवैध जो निर्माण है इनका पत्थरबाजियों का, उनको ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक और बड़ी खबर मिल रही है, सांगानेर में भी गणेश पंडाल पर पथराव किया गया है। उपद्रवियों ने गणेश पंडाल को इस बार निशाना बनाया है। पथराव के तुरंत बाद पुलिस यहां हरकत में आई है, एक्शन देखने को मिला है। स्थानीय लोगों को समझाने के बाद फिलहाल शांति कायम है, लेकिन जब यहां पर पथराव किया गया हालात यहां तनावपूर्ण बने हुए थे। पुलिस तुरंत एक्शन में आई, वहां पर पहुंची, स्थानीय लोगों को समझाया, जिसके बाद अभी माहौल शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। और इस बीच बवाल की खबर यूपी के महोबा से भी सामने आई है। गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदाय में झड़प देखने को मिला है, समुदाय विशेष पर पथराव करने का आरोप भी लगा है। जुलूस पर बाल्टी से हमला करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के महोबा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसको लेकर मामला बिगड़ गया है, दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच भी कर रही है। आज दिनांक 14 सितंबर शाम को जनपद महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के जुलूस निकल रहे थे, उसी दौरान एक जुलूस में पटाखा फोड़ते समय दूसरे पक्ष के घर में पटाखा जाने से हल्का विवाद हो गया, दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर मौजूद फोर्स ने तथा सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को संकुशल संपन्न करा दिया गया है, विसर्जन संकुशल संपन्न कराया जा चुका है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। विसर्जन को देखते हुए इन्होंने अराजकता फैलाई है और हम लोग ऊपर पथराव किए हैं और ये पानी की बाल्टियां भी मारी हुई हैं, तो इन्हीं सब लोगों को, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बस हमारी कोतवाली अधीक्षक से यही है वो है कि लोगों पर कशकश कार्रवाई की जाए। आज गणेशोत्सव के पर्व पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था, मूर्ति विसर्जन में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, संबंधित कोतवाली में उसकी सूचना दी गई।